There are 10 stations on a railway line. एक रेलवे लाइन पर 10 रेलवे स्टेशन हैं. द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाई दी अथॉरिटीज इज. कितनी टाइप के टोटल टिकट्स चाहिएंगे. इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि 3 स्टेशन हैं, तो ए स्टेशन के ऊपर बी पर जाने के लिए टिकट मिलेगा ए टू बी और ये ए टू सी. यानी कि एक टाइप होगी ए टू बी, दूसरी टाइप होगी ए टू सी. अब अगर हम बी स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे टिकट कौन सा मिलेगा, बी टू ए, बी टू ए और बी टू सी. ये आपके पास चार टाइप हो गए. अब अगर सी स्टेशन पे खड़े हो तो सी टू ए, ये टिकट मिलेगा और सी टू बी. तो टोटल 6 टाइप के टिकट चाहिएंगे. इसी तरह से अब हमने बताना है कि अगर 10 स्टेशन हो तो डिफरेंट टाइप के कितने टिकट्स पॉसिबल हो सकेंगे. तो अब आप देखें कि पहले स्टेशन पर 10 नंबर के ऊपर अगर हम एक स्टेशन पर खड़े हैं और टोटल 10 तादाद है, तो द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट देयर विल बी ए टिकट फॉर ईच ऑफ द रेस्ट 9 एंड देयर आर 9 स्टेशन ऑन 10 स्टेशन ऑन द रेलवे लाइन. द नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स होंगे 10 इंटू 9, यानी कि 90 टिकट्स की तादाद चाहिए. डिफरेंट टाइप के टिकट्स होंगे क्योंकि 10 स्टेशन हैं और हर स्टेशन पे डिफरेंट जो स्टेशन अवेलेबल होंगे वो होंगे 9 के टिकट्स. जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ए पर अगर हम मौजूद हैं तो यहाँ से बी का टिकट मिलेगा और सी का मिलेगा. अगर बी पर हैं तो वहाँ से ए का मिलेगा और सी का मिलेगा. सी पर मौजूद हैं तो सी से बी जा सकते हैं और सी से ए जा सकते हैं. इसी तरह से जो 10 स्टेशन हैं उनमें से हर स्टेशन पर खड़े होंगे तो बाकी 9 के लिए हमें टिकट मिलेंगे. तो हर स्टेशन पे 9 टाइप के टिकट्स मौजूद हैं और टोटल स्टेशन कितने हैं, 10. तो टोटल टिकट्स जो होंगे वो 90 होंगे, जो कि सी ऑप्शन है. लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी.